संत कल भी थे और कहा जा रहा है कि जो भी है उसमें कार्रवाई सर इधर भी नहीं ठीक है। अब तो सब तो जांच का विषय है ना। मान लीजिए कंप्लेन हुआ है जो लोग किया गया है, ठीक है, हम लोग तो अपने हमारे पास बहुमत था, सब जानते हैं हमारे पास बहुमत है भी, हम लोगों ने बहुमत सिद्ध किया, बहुमत से ज़्यादा नंबर हमारे पास है। तो जो लोग हमारे बहुमत को तोड़ करके और हमें डिस्टैब्लिश करना चाहते थे उन लोगों ने किया है। हम लोगों ने तो अपना अपने विधायकों को रिटेन किया जो उनकी शिकायतें थे जो, और इस बीच क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ, उसके लिए कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है जो जानकारी प्राप्त हुई अखबारों के माध्यम से, तो उसकी जांच होगी। पैसे लेने आप लोगों ने भी तो तीन उनके विधायक को अपने अपने पाले में लिया। हमारे यहाँ जो विधायक आए वो फ्लोर पर क्रॉस किए हैं, कोई हमने कैप्टिव बना के नहीं रखा था, या कोई हमारे हम उन लोगों के से गायब नहीं थे, उन लोगों के संपर्क में थे, उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया ना। लेकिन और लोग भी है क्या संपर्क कर जो चाहना चाहते हैं, पाँच पाँच करोड़ देने का सब तो जांच का विषय हम लोग जानते हैं। सर ऐसा लगता है कि नाराजगी महागठबंधन के विधायकों में और ज़्यादा है, और लोग भी हैं जो नीतीश कुमार पे विश्वास जताते हैं। देखिए ऐसा है कि सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति जिताऊ होता है, जिसके प्रति लोगों का स्नेह और प्यार होता है, उसके प्रति उनके बातों पर लोग उनके समर्थन में आते हैं। जब लोग उनके समर्थन में है तो अब जब चुनाव आने वाला है लोकसभा और विधानसभा, तो निश्चित रूप से विधायकों को ये लगता है कि नीतीश कुमार एक जिताऊ चेहरा है, ये गठबंधन एक जिताऊ चेहरा है, और इस गठबंधन साथ रहेंगे तो हमारा भविष्य सेफ रहेगा, तो उस लोग आते हैं। सर डिप्टी सीएम और सीएम साहब ने भी कहा कि कार्रवाई होगी और जांच जो है वो सब की जाएगी। अब नेता ही ने जब कह दिया तो उसके बाद रह क्या गया। जब नेता ने खुद हाउस में कहा है ये बात तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री को कुछ जानकारी होगी, क्योंकि सभी मंत्रियों को तो जानकारी नहीं रहती है, तो माननीय मुख्यमंत्री को कोई जानकारी होगी और उस जानकारी के बिना पर उन्होंने ये बयान दिया, तो जांच होगी। बीजेपी की ओर से नंद किशोर यादव अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष के उम्मीदवार बनाए गए हैं आज उन्होंने। तो नंद किशोर यादव जी का लंबा संसदीय जीवन रहा है और लंबे समय से उन्होंने कार्यपालिका के रूप में मंत्री के रूप में भी उन्होंने भूमिका का निर्वहन किया है और लंबे समय से बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, एक सीनियर सीजनड व्यक्ति हैं। हम समझते हैं कि उनके अध्यक्ष बनने से, निर्वाचित होने से इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी और एक नए तरीके से विधानसभा के सत्र को और विधानसभा को चलाने में उन्होंने अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। सर मंत्रिपरिषद का विस्तार को लेकर क्या कुछ रणनीति अब सरकार? ये तो मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है ना, ये तो मुख्यमंत्री जानते हैं, लेकिन हम लोग जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश जी के कार्यकर्ता हैं, हमारा मकसद है 40 का 40 लोकसभा और 200 से पार विधानसभा, ये हमारा है, हम लोग उस पर काम करने। मंत्री किसको बनाना है नहीं बनाना है ये तो माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है ना, उसकी ना हमें जानकारी रहती है ना उसकी कौन क्या हो रहा है उसके, हम लोगों को तो मुख्यमंत्री इसका जवाब दे पाएंगे। आज नया सरकार का पहला बजट है सर, बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ नया खास? देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश हुआ है, उस आर्थिक सर्वेक्षण से ये बात स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिहार की जो सरकार है वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा ग्रोथ रेट भी आगे बढ़ा है, जिस ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं कि हमारी हम विकसित रूप से आगे बढ़ सके, उस पर भी हमारा अच्छा है, 15.5% के आसपास क्या है हमारा। और जो 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 हमारा मेन पैमाना है बजट का, जो हमारा मेन स्तंभ है, वो पूरी तरह से मजबूत है, और हम समझते हैं जो आज बजट भी आएगा वो लोक कल्याणकारी बजट के साथ जो सरकार की 7 निश्चय 2 की जो घोषणा है उस पर ताकत होगा। यादव ने ये जदयू का आरोप नहीं है, किसी खास सदस्य ने ये शिकायत की, तो अब इसकी जांच होगी, जो सही होगा, अगर नहीं हुआ होगा नहीं होगा। जेडीयू के विधायक पर ही केस किए सर, क्या जेडीयू के विधायक पर सवाल क्या? अरे वो तो कहे ना कि वो तो उनको जो सूचना थी दिए हैं, अब जांच होगी, इसमें क्या नई बात है? नहीं नहीं ये अब किस पार्टी के विधायक का क्या हुआ वो सब जी में मतलब हमको जानकारी थोड़े है। अभी तो जो मामला आप ही लोग के माध्यम से
प्रकाश में आया है, ये तो उसके आधार पर बात है ना कि उन्होंने शिकायत की और उसके बीच में फिर जांच होगी, अगर सही होगी तो उस हिसाब से आपस की बात है, उसको देख लिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन आज घेराव करेंगे बिहार विधानसभा का। विधानसभा तो एक हाफ चल लिया, तो अभी आएंगे कुछ देर में, कह रहे हैं लाखों लाख परीक्षा। अब लाखों लाख कर रहे हैं तो वो तो आप दिखा दीजिएगा, अगर लाख आएंगे। क्या सरकार विरोध हो रहा है इस पर, क्या क्या करिए इस पे? कोई सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं ना थी, बिना शर्त देने की बात थी। लगता है कि ये सक्षमता परीक्षा बोली जा रही है, और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी, इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है, और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमिटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय हो, और विभाग ने एक कमिटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है। और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है, और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है, वो भी जरूर सुनी जाएगी, लेकिन इस माने आंदोलन करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपनी बात कहेंगे, सरकार विचार करेगी, और सबसे बड़ी बात है कि वे उन बातों को लेके अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में अंतिम फैसला नहीं। सदन से कि उनका इलाज किया जाएगा, और अब जो सीन है लग रहा है कि इलाज हो रहा है। नहीं, कोई इलाज नहीं हो रहा है, सब लोग साथ आ गए हैं, कोई समस्या नहीं है। जब साथ लोग नहीं आते हैं तो उसका उपाय किया जाता है। नहीं तो जब डूबने की स्थिति थी तब सहारा नहीं मिला, जब उबर गए तब साथ मिला। सुबह का भूला हुआ व्यक्ति सामने पहुंच जाता है तो वो समझा जाता है कि वो अपना ही है, पराया नहीं। उनके बेटे और पति को गिरफ्तार किया गया है आर्म्स एक्ट में, आर्म्स एक्ट में उनके पति और बेटे को गिरफ्तार किया। जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी मिलेगी लेकर आपको पूरी जानकारी। लेकिन आपके विधायक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ है, अपहरण का मामला दर्ज कराते रहा। अब ये कुछ होते रहता है तो उसकी जानकारी पूरी लेकर के आपको देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना, ऐसे अधूरी जानकारी लेके आप क्या कीजिए। सरवन बाबू देखिए, जिस तरीके से बयान सदन में उप मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया कि 5 लोग मिसिंग हैं या फिर जो कुछ इस तरीके के, एक एक का इलाज किया जाएगा और इलाज के सिम्टम जो है वो दिखने शुरू हो गए, तो सवाल तो उठेंगे ना। सवाल तो उठना वाजिब है, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया। लेकिन मैं कहा कि जब सुबह का भोला हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर पहुँचता है तो उसको मिसिंग नहीं कहते हैं, उसको कुछ भूल कह सकते। लेकिन डॉक्टर संजीव ने कहा कि आप लोगों ने डिटेन करवाया, प्रशासन ने डिटेन किया, इस वजह से आने में लेट हुई। अब ये पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी जब रहेगी तब देंगे। हम लोग ने तो देखा कि सदन में सब लोग आ गए और समय लगा रहे, कुछ लोग समय पर आए, कुछ लोग समय के बाद आए, लेकिन सब लोग। लेकिन उनका कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात हम लगातार कह रहे थे, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी। किस पर कार्रवाई? भ्रष्ट अधिकारियों पर। अभी तो शुरू हुआ है, अंत थोड़ी हुआ। नहीं, आप ही के विधायक ने कहा शुरुआत हुआ है तो आगे भी कुछ कार्रवाई होगी ना। कार्रवाई का समय सब समाप्त हुआ है, अभी तो शुरू हुआ। खेला करने वाले बचेंगे नहीं, खेला करने वाले बचेंगे नहीं। अब माननीय सरवन जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उस पर अमल किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार थी, 70 दिनों में 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला था। 70 दिनों में 2 लाख से अधिक, उसके पहले जो मिला उसका याद नहीं है आपको? वो कल कहे विजय चौधरी जी 2005 के बाद, उसको भी तो याद कीजिए। 70 दिन कहाँ से ले आते हैं? नहीं नहीं, ये तेजस्वी यादव ने कहा कि 70 तो आप तेजस्वी यादव के स्पोक्स पर्सन हैं, क्या आप 70 दिन बोलते हैं? सरकार ने नौकरी देती है,
बाइक चला रहे हैं आप, एजेंडे पर मत ना बात करिए, क्वेश्चन पूछिए, एजेंडे के साथ क्वेश्चन नहीं पूछिए। क्या सर आगे भी रोजगार मिलेगी इसी तरीके से? बिल्कुल, आपके रोजगार देते आ रहे हैं 2005 से, 7.5 लाख रोजगार बना है और आगे भी रोजगार देंगे। बिहार विधानसभा में माननीय विजय चौधरी जी का बयान और माननीय नीतीश जी का आपने बयान नहीं देखा? तो सरकार बयान दे रही थी ना, हम लोग सरकार के पार्ट हैं, जब सरकार का बयान है तो हमारा बयान है। सर नियोजित शिक्षकों लेकर के भी जो चर्चाएं हैं और 5 बार जो सक्षमता परीक्षा की बात की जा रही है, शिक्षक कह रहे नहीं देंगे एग्जाम। शिक्षा मंत्री जो होंगे ना उनसे पूछिए। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 178,706.09 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 161,855.67 करोड़ रुपया से 16,850.42 करोड़ अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण नई नियुक्तियां, मानदेय में वृद्धि, उच्च स्तर के कार्यकारी प्रभार, पेंशन, शुद्ध भुगतान इत्यादि है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक स्कीम के बराबर है, किंतु वार्षिक स्कीम के अंतर्गत राज्य की अपनी स्कीम का आकार कुल वर्ष की तुलना में 2,923 करोड़ रुपया अधिक है। उसी तरह वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय 2,25,676.99 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,07,884 करोड़ रुपया से 17,828.99 करोड़ रुपये अधिक है। यह कुल बजट का 80.97% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया, यह कुल बजट का 19.03% है। वर्ष 2022-23 के वास्तविक पूंजीगत व्यय 47,927.66 करोड़ से अधिक से 10.68% अधिक है। आते रहेंगे, कोई असर अब है, सब पहचान गया सीमांचल में लोग कि वोट कटवा है, सब इसका वोट कटवा है। वोट कटवा के रूप में इन लोग का कोई भूमिका नहीं है। आरजेडी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि विधायक को खरीदा जाता है, खरीदने वाला तो हम तो जांच करा रहे हैं, वो जांच करें, आप लोग प्रमाण दें, तो प्रमाण देंगे ना, हम लोग जांच कराएंगे। भाई वीरेंद्र बोल रहे थे कि आप लोग पर जांच होगी, अभी कौन रोक रहा, जांच कराएं, प्रमाण दें, अगर हमारी एजेंसी उसमें पक्षपात करेगी तब ना। अब विलम्ब कहीं कारण की जाए, अब तो दुर्दशा हो गया, अब आपका संख्या बल में आप हार गए, तो अब तो विलम्ब काहे कर रहे हैं, प्रमाण दीजिए ईओयू को, जांच करेगा, गड़बड़ी होगी, पक्षपात अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो मीडिया को बताइए, न्यायालय जाइए, देर काहे कर रहे हैं। काले धन से खरीदने की कोशिश हुई थी, ये काले कारनामे को फेल कर दिया एनडीए ने, और जिन लोगों ने विधायकों का ईमान खरीदने की कोशिश की वो हमारे विधायक को खरीद नहीं पाए, और हम लोगों ने बहुमत साबित कर दिया। अब ये सरकार लंबे काल तक चलेगी, और अब मिशन 40 है, यानी नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, इन तीनों के नेतृत्व में अब 40 की 40 लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे। कल लोकसभा के चुनाव से पहले ही पूरी तरह ध्वस्त हो गया है ये जो महागठबंधन है, इसकी महाहार हो गई है,
और जो ये साजिश किए थे वो साजिश को पूरी तरह से फेल कर दिया गया है। और ये साबित हो गया कि जो नेचुरल अलायंस है वो नीतीश कुमार जी का की पार्टी जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है, हम का अलायंस है। हम लोग इकट्ठे होकर बिहार के विकास में लगेंगे। भाप वाला धुआं वाला इंजन हट गया है, अब वंदे भारत का स्पीड वाला इंजन इसमें लग गया है, फिर से डबल इंजन की सरकार स्थापित हो गई। नीतीश जी के बाद अब जयंत चौधरी भी एनडीए में आ रहे हैं सर। नीतीश जी के बाद जयंत चौधरी भी, अरे जयंत चौधरी तो जब भारत रत्न मिला चौधरी चरण सिंह जी को तो उन्होंने पूरी प्रशंसा की। अभी तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में पतझर लग गया है। ये मौसम है जिसमें पत्ते गिरते हैं, लेकिन इस मौसम में एक अलग देख रहे हैं कि कांग्रेस की शाख से पत्ते की तरह उसके पूर्व मुख्यमंत्री गिर रहे हैं। अशोक चौहान ने जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। ये साफ जाहिर है कि राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा है, जब वो पहुँचेंगे अपने अंतिम यात्रा को ख़त्म करेंगे वहाँ जहाँ वो पहुँचने वाले हैं मुंबई में, तो पता लगा तन्हा तन्हा रह गए, सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? ये डिमांड है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कब्जा कर लिया है और अभी भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार बनने के साथ साथ सामंतों का हौसला बुलंद हो गया है और दलित जातियों पर उत्पीड़न शुरू हो गई है, हत्या शुरू हो गई है, बलात्कार की घटना बढ़ने लगी है। और साथ साथ इनका जो के पाठक है उत्तर प्रदेश से आके बिहार के शिक्षित बेरोजगारों का नौकरी खा रहा है। ये इन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों बेरोजगार नौजवानों को लाके बिहार में नौकरी दे रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो और के पाठक को पर कार्रवाई हो। और जो लगातार नियोजित शिक्षकों अपमानित प्रताड़ित लांछित किया जा रहा है उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाए और शिक्षा विभाग में जितने पद रिक्त हैं सब्जेक्ट वाइज पदों को भरा जाए और डोमिसाइल नीति लागू हो। बिहार के बेरोजगार शिक्षित नौजवानों को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, उसके बाद दुनिया को देखेंगे, देश को देखेंगे। के पाठक तो सर बहुत ब्राइट ऑफिसर है, उनको 2500 रुपया। क्या के पाठक तो बहुत ब्राइट ऑफिसर है? ब्राइट मीन्स मतलब बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं ऐसे ही अच्छा, आप अच्छा हैं तो आप इसी तरह से नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित कीजिएगा, सारी जिंदगी परीक्षा देगा, सक्षमता परीक्षा बार के महाने आप उन लोगों को अपमानित कर रहे हैं, क्या ब्राइटनेस है उसका? अपहरण का अपहरता यही है, अपहरण करता यही है, अपहरण करता आपके साथ है। हम मेरे साथ हम कहें इंटरनेट कॉलिंग आया है, इंटरनेट कॉलिंग में जो भी सच्चाई है हमने आवेदन में दर्ज करवाई है। अच्छा अपहरण करता बगल में, एक मिनट ये बताइए क्यों नाम लिखा मेरा? आपने क्यों नाम लिखा सर? आप पूछिए ना, पूछिए एफआईआर में अपहरता आ गया आपके साथ खड़ा हो गया, उनकी जांच हो रही है। अरे हम बताते हैं, चलिए छोड़ बताइए सर क्या मामला है? कोई गलती नहीं है, बेचारे अच्छे मैं तो पहले भी आपके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्या कीजिएगा आप समझिए कि अगर हम तो बोले कि कैसे ना उनसे क्या कीजिएगा, बेचारे वो भी परेशान हैं, उनको पपेट बना करके मैं बताया ना, हमारे दल के ही दो चिरकुट हैं, दो से तीन मिलके प्रेशर देके इस बेचारे से एफआईआर। अब नाम भी बता दीजिए, नाम बताएंगे, नाम बताएंगे, हमको बता चुके हैं और हम भी बताएंगे। क्या बड़े लीडर है, सीनियर लीडर है सर जेडीयू के? अरे क्यों लगा रहे हैं? यही तो दुखद है, यही दुखद है कि भाई आप क्यों आरोप लगा रहे हैं सर? वो तीन लोग जेडीयू के क्या सीनियर? बिहार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार की सोच को जमीन पर उतारने वाला यह बजट है। यह बजट सामाजिक आर्थिक विकास की गति देने वाला बजट है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे बिहार के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी और मुझे यह विश्वास है कि यह विकास की दर को 10% से ज़्यादा रख पाएगा। 2005 में 27,000 करोड़ से बजट प्रारंभ और आज सरकार की एनडीए सरकार की कुशल प्रबंधन के कारण 2.78 लाख करोड़ तक पहुंच गई। इस बजट की बदौलत बिहार चतुर्दिक विकास के दर पर तेजी से आगे बढ़ेगा। यह देश के प्रधानमंत्री जी का जो गरीब युवा किसान महिलाओं के उत्थान का कल्याण का काम करेगा, जातीय जनगणना जो जातीय गणना हुआ जिसके अंदर
शैक्षणिक आर्थिक जो सर्वे हुआ है उसके भी उत्थान में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बजट हर दृष्टिकोण से गरीबों के प्रति समर्पित है, हर बिहारी के विकास की गति को बढ़ाने वाली है। नहीं, ऐसी कोई ऑफर नहीं मिली थी, लेकिन बहुत सारे माननीय सदस्यों को मिला है। ये बिहार के लिए काला दिन था कि इस तरह के लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, वहाँ पर लोग हमारे MLA को खरीदने की कोशिश कर रहे थे जैसे भेड़ बकरी की तरह हो। तो ये गलत प्रक्रिया है, गलत परंपरा का उन्होंने जो शुरुआत किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि पैसे कहाँ से आए, उन लोग कहाँ से पैसे का ऑफर कर रहे थे, इसकी जांच होगी। और हम समझते हैं वो सक्षम है और जो लोग इसके पीछे थे वो सामने आ जाएंगे और ऐसी उनकी सजा मिलेगी कि आने वाला समय में कोई इस तरह का साहस नहीं करे। यही बात सामने आई है कि आपको जितने सीएम का ऑफर मिला था, गांधी जी को सीएम का ऑफर मिला था। देखिए, इस तरह की बातें आधिकारिक तौर पर हमारे पास तो कोई नहीं आई थी, लेकिन मैं जानता हूं कि आसपास सपोर्टर लोग इस तरह की बात बोलते रहते हैं, तो उनके कहने ना कहने किसी कोई बात का हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम NDA के साथ थे और जब NDA के साथ थे तो पूरी निष्ठा के साथ थे, पूरी कमिटमेंट के साथ थे। और हमारा जो उसूल है, हम लोग जिन विचारधारा पर पार्टी बनाई, उस विचारधारा हमारा NDA के साथ था, तो कहीं पर कोई इधर की बात इफ बट तो थी नहीं, इसलिए हमारे पास तो कोई नहीं आया। बाकी मीडिया में आपके माध्यम से सब बातें तैर रही थी, उसका मुझे कोई जानकारी। मांझी जी को राज्यसभा जाने के मामला आ रहा है। देखिए, राज्यसभा का मामला हो, कोई भी मामला हो, ये सब बातें तैर होगी, हम लोग सब बात करेंगे। और जहाँ भी हम लोग हैं NDA के साथ हैं और गरीब कल्याण के लिए हमने जुड़ा है, और हम किसी भी कैपेसिटी में रहें, किसी भी भूमिका में रहें, हम उस भूमिका में अपने आप को साबित करेंगे। गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों को विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब की आवाज़ बनने के, हम जिस तरह हमारा पार्टी का विचारधारा, उस पर हम काम करेंगे। कल लोकतंत्र की जीत हुई है और बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट करती है कि अभी लोकतंत्र ही परिवारवादी से बेटर है, इसलिए यही पार्टी आगे रहना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें कि कल साफ दिख रहा था कि जो परिवारवादी पार्टियां वो डिक्टेटरशिप में विश्वास करती है और जो लोकतंत्र का पूरा डेमोक्रेसी है, जनता दल यू के MLA पूरी तरह से स्वतंत्र थे, कहीं भी रह सकते थे, कुछ भी काम कर सकते थे। केवल अंत के रात को, क्योंकि सुबह सब लोगों को एक साथ जाना था, इसलिए कुछ लोगों ने कोशिश किया कि एक साथ रह लें। दूसरी तरफ देखिए, जो परिवारवादी पार्टियाँ हैं, राजद कांग्रेस कोई भी कहिए, राजद जो है वो मीटिंग के लिए बुलाया सब MLA को कि भाई मीटिंग है, आप लोग आ जाइए। जब मीटिंग हुई शुरू, सबको कैद कर लिया